Frederick Soros four print 1848, and in this you have to learn all the topics which are given in the pic. For example, उस पिक में एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि उसके एक हाथ में क्या, एंड इन सेकेंड हैंड इन वन हैंड देयर इज चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड इन अदर हैंड आप बताओगे टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. अब ये फ्रेडरिक सोरियो के जो प्रिंट्स हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो फ्रेडरिक सोरियो ही वाज फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रॉम द हेवन हु गेज्ड अपॉन द सीन एंड विच वर द कंट्रीज लीडिंग द प्रोसेशन. ये सारे टॉपिक आपको फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंट में लर्न करने हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज, इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है फोर, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर प्रिंट्स ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, एंड देन फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंट्स के बाद आपको लर्न करना है ट्रीटी ऑफ वियना. ट्रीटी ऑफ वियना में जैसे आपका आपको होस्ट पूछा जा सकता है, कंट्रीज दैट पार्टिसिपेटेड द ट्रीटी ऑफ वियना, हु वाज द होस्ट, कंट्रीज पार्टिसिपेटेड ट्रीटी ऑफ वियना, कौन कौन सी कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया एंड रशिया, ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया एंड रशिया, हु वाज द होस्ट एंड यू नो इट वेरी वेल, ही वाज ड्यूक मेटरनिच and Duke Metternich was Austrian Chancellor. Next, इसके बाद आपका टॉपिक, जैसे मैंने बोला कि इन पेपर यू हैव डन सो मेनी टॉपिक्स रॉन्ग रिगार्डिंग द टॉपिक लिबरलिज्म, कईयों ने तो लिबरलिज्म वाला टॉपिक छोड़ भी दिया था पेपर में. नो प्रॉब्लम, देयर वॉज चॉइस, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि आपके पास चॉइस नहीं होती, तो यू हैव टू डू, तो लिसन केयरफुली, किसी भी टॉपिक का हम रिस्क लेके नहीं चलेंगे. Liberalism in economic field, liberalism in social field, liberalism in political field. You have to learn all, ठीक है? Liberalism के meaning in different fields. For example, अगर आपको आता है, मैं सारे topics बोलती हूँ. Liberalism in social field, right to vote, right to in social field, right to property, equality before law. अगर आपको political field आता है, तो you will write right to contest elections and right to vote, political field. अगर आपको economic field पूछा जाता है, तो you should know right to trade, freedom of market. Any topic can be asked in the paper, then you have to select the correct option. जैसे कि अभी कैसे आ सकता है, for example, freedom of market, तो ऊपर आपको दिया जाए political field, economic field के social field, then you will select economic field. So in this way, you have to learn these topics. अब इसके बाद आपका आ जाता है रोमांटिसिज्म. इट वाज कल्चरल मूवमेंट, इट वाज कल्चरल मूवमेंट ऑफ दैट टाइम. तो कौन बना रूलर ऑफ फ्रांस इन 1830 के जब रिवोल्ट हुए, तो हु बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस. तो यहाँ पे आपको उसका नेम लर्न करना है, लुइस फिलिप. लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस, एंड हु वाज ओवरथ्रोन बाय लिबरल्स इन दिस रिवोल्ट. तो आप कहोगे बॉर्बन डायनेस्टी का रूलर हु बिकेम द रूलर ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वियना. तो इसे बनाया था कंजर्वेटिव्स ने, बट ही वॉज ओवरथ्रोन बाय लिबरल्स एंड लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस. लुइस फिलिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किस ईयर में बना, 1830. यू शुड नो द ईयर्स. तो देन आपको लर्न रखना हु सेड द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर्स, किसको बोला गया, मेटरनिच ने किसको बोला, मेजनी को. वाई मेजनी, बिकॉज मेजनी वॉज रेवोल्यूशनरी वेयर एज मेटरनिच वॉज कंजर्वेटिव. तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के एनिमी थे, एंड इन दोज डेज यूरोप वॉज ड्रिवन बाय, उन दिनों यूरोप में क्या चल रहा था, कंजर्वेटिज्म. यूरोप वॉज ड्रिवन बाय कंजर्वेटिज्म, एंड ड्यूक मेटरनिच ही वॉज कंजर्वेटिव. ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया प्रशिया जो कंट्रीज थी, दीज कंट्रीज वर ऑल्सो कंजर्वेटिव कंट्रीज. तो मेजनी, मेजनी का फुल नेम पूछा जा सकता है, गसप मेजनी. ही वॉज मेंबर ऑफ कार्बोनेरी सीक्रेट सोसाइटी. अब इसका बर्थ का ईयर 1807 कहाँ पे हुआ, जेनोवा में हुआ, एंड ही वॉज मेंबर कार्बोनेरी सीक्रेट सोसाइटी एंड टू सीक्रेट सोसाइटी सेटअप बाय मेजनी. आपको अगर 1833 की सीक्रेट सोसाइटी पूछे, तो दैट इज यंग यूरोप एंड दैट इज फॉर्मड इन बर्ने. यंग यूरोप इन बर्ने
Young Italy in Marseille. So these were the two secret societies set up by Mazzini. So Mazzini was Italian revolutionary, encouraged the people of Italy to become a nation state. Mazzini, jab 24 years ka tha, to he participated in which revolt? Liguria revolt. Liguria ke revolt mein isne part liya tha and he was sent to an exile. अब अपने आप सोचो, मैंने बोला कि उसका बर्थ का ईयर 1807 एंड इन विच ईयर ही पार्टिसिपेटेड इन लिगुरिया रिवोल्ट, तो आपको मैंने बोला देन ही वाज ओनली 24 इयर्स ऑफ एज. उसकी एज उस तब 24 इयर्स थी. इट मींस 24 प्लस 7 1831. ही पार्टिसिपेटेड इन लिगुरिया रिवोल्ट 1831. तो आपको ये लिगुरिया रिवोल्ट का ईयर लर्न रखना है. आपको ऐसे पूछा जा सकता है इन विच ईयर लिगुरिया रिवोल्ट टुक प्लेस, तो आपको बताना चाहिए 1831. नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1797. तो ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं दीज आर गिवन इन द बॉक्सेस. तो स्लेविक नेशनलिज्म का भी आपको ईयर लर्न करना है, दैट इज 1905. ये बुक में नहीं दिए हुए बट दीज आर गिवन इन द बॉक्सेस, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इज इट क्लियर? तो हम कर रहे थे मेजनी. मेजनी पार्टिसिपेटेड इन लिगुरिया रिवोल्ट. ही वाज सेंट टू एन एक्साइल. तो मेजनी सेट अप हिज टू सीक्रेट सोसाइटीज. आई हैव टोल्ड यू अबाउट देम. एंड देन ही वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी. ड्यूक मेटर्निश सेड हिम हिज ग्रेटेस्ट एनिमी. व्हाई ड्यूक मेटर्निश सेड व्हेन फ्रांस स्नेजेस यूरोप कैचेस कोल्ड? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज रिवोल्ट इन फ्रांस एंड देन देयर वर रिवोल्ट्स इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. सबसे पहला रिवोल्ट कहाँ पे होता था? फ्रांस में. अब फ्रांस को देख के बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी रिवोल्ट हुए. तो दिस वाज सेड बाय ड्यूक मेटर्निच. अब इसके बाद आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सी, जैसे कि मैंने बोला कि बेल्जियम. बेल्जियम किससे सेपरेट हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड. यू हैव टू लर्न दिस. लेट द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड. यू हैव टू लर्न इट. एंड देन आपको याद रखना है थर्ड रिवोल्ट जो हुआ दैट वॉज इन ग्रीस. ग्रीस में हुआ. ग्रीस पूछा जा सकता है यहाँ पे कितने ईयर्स हैं कि ग्रीक्स जो थे दे स्टार्टेड देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ईयर? सो दैट इज 1821 में इन्होंने अपनी वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट की थी. बट ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832. Which treaty Greece became an independent nation? तो यहाँ पे आपको याद रखना है with the treaty of Constantinople Greece became an independent nation. अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसे cradle of Europe कहा गया? That is Greece. Greece known as cradle of Europe because European countries had great respect for Greek culture and in those days Greece was known as cradle of Europe. तो इस वजह से आपको. And Lord Byron, you have to learn here. Lord Byron was English poet. He collected funds for the Greek War of Independence. But due to fever, he died. अब इसकी death हो गई 1824 में. तो इस वजह से आपको Lord Byron भी याद रखना है. Who was Lord Byron? One more question can be asked. He was English poet and he participated in the Greek War of Independence. तो De La Croix कौन था? He was painter, French painter. जिसने एक पेंटिंग बनाई थी इन विच ही शोड हाउ ग्रीक्स वर क्रूअली किल्ड बाय टर्क्स. के ग्रीक को कैसे टर्क्स मार रहे हैं, कैसे मुस्लिम्स जो हैं दे वर क्रूअली किल्ड द ग्रीक्स. क्योंकि ग्रीक्स थे कौन? दे वर क्रिश्चियंस एंड दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. मीन्स दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली बाय मुस्लिम्स एंड दैट्स वाई दे प्रोटेस्टेड. दे वॉन्टेड फ्रीडम. They declared their war of independence. They got freedom from Muslim rule in 1832 and Greece became an independent nation. In this, they got support from European countries. Next is Romanticism. It was cultural movement of that time. यहाँ पे आपको नेम याद रखना है. John Gottfried. He was German philosopher. John Gottfried was German philosopher. फिर Karol Kapinski नेम याद रखना है. He was Polish writer. He encouraged. अगर आपको पूछा जाए language played great role in spreading the feeling of nationalism. अब इसमें कौन associated है? इसमें आप बताओ कि Metternich है
वो एड कैरल करपंज की है, तो आपने कहना कैरल करपंज की, ही वॉज पॉलिश राइटर, इनकरेज द पीपल ऑफ पोलैंड टू स्पीक देअर लैंग्वेज बिकॉज इन दोज डेज पोलैंड वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ रशिया। पोलैंड रशिया के पास था, ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना पोलैंड वॉज गिवन टू रशिया एंड रशियन दे डिडंट अलाउ पोलिश टू स्पीक देयर लैंग्वेज एंड टू फॉलो देयर कल्चर। पोलिश प्रीस्ट वर फोर्स टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन रशियन लैंग्वेज बट दे रिफ्यूज्ड। दे प्रेफर टू गो टू साइबेरियन जेल्स बट दे डिडंट गिव देयर इंस्ट्रक्शंस इन रशियन लैंग्वेज। इट मीन्स लैंग्वेज ने भी नेशनलिज्म स्प्रेड करने में ग्रेट रोल प्ले किया। फिर यहाँ पे आपको ग्रिम ब्रदर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ग्रिम ब्रदर्स जैकब एंड विलहेलम दोनों ही जर्मनी के थे, एंड जैकब एंड विलहेलम जो थे इन्होंने फोक टेल्स फेयरी टेल्स कलेक्ट की फॉर द चिल्ड्रन एंड पब्लिश देयर वर्क इन 1812। 1812 में इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था। जैकब एंड विलहेलम जो थे इन्होंने 33 वॉल्यूम डिक्शनरी भी लिखी थी दैट वॉज इन जर्मन लैंग्वेज। एंड देन करेज द पीपल ऑफ आप कहोगे जर्मनी टू गेट फ्रीडम फ्रॉम फ्रेंच डोमिनेशन, इन्होंने फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी एंड पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी दैट वॉज इन विच लैंग्वेज, इन जर्मन लैंग्वेज। और साथ में आप यहाँ पे बताओगे दे पब्लिश देयर फोक टेल्स फेरी टेल्स इन 1812। 1812 में इन्होंने बच्चों के लिए फोक टेल्स फेरी टेल्स पब्लिश की थी। 33 वॉल्यूम डिक्शनरी भी जर्मन लैंग्वेज में आपने याद रखनी है। तो दिस इज अबाउट रोमांटिसिज्म। डिलेक रॉयक्स एक फ्रेंच पेंटर, यू हैव टू लर्न कि क्या बनाई उसने पेंटिंग इन विच ही शोड हाउ ग्रीक्स वर क्रूली किल्ड बाय टर्क्स। इन दिस वे इसने स्पेक्टेटर्स के मनों में नेशनलिज्म स्प्रेड किया था। नेक्स्ट, अब हंगर एंड हार्डशिप रिवोल्ट इन यूरोप। अगर आपको हंगर हार्डशिप रिवोल्ट का ईयर पूछा जाए तो 1830, दैट इज 1830। अगर फ्रांस का ईयर पूछा जाए तो दैट इज 1848। फ्रांस में 1848 में रिवोल्ट हुआ। पीपल केम ऑन द रोड्स, लोग सड़कों पे आ गए। पेरिस सिटी पीपल केम ऑन द रोड्स एंड प्रोटेस्टेड। एंड नाउ यू नो इट वेरी वेल, लुइस फिलिप ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ही फ्लेड टू अदर कंट्री। अब एज ही कुडंट कंट्रोल द सिचुएशन सो ही फ्लेड टू अदर कंट्री। लुइस फिलिप यहाँ से भाग गया बिकॉज ही कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। फ्रांस में रिवोल्ट हुआ ड्यू टू हंगर एंड हार्डशिप। अब सिलेशिया का रिवोल्ट आपको याद रखना है 1845। 1845 में अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हुआ था? कॉन्ट्रैक्टर हु ऑर्डर्ड द वीवर्स टू प्रिपेयर क्लोथ फॉर हिम बट व्हेन क्लोथ वाज रेडी ही लोअर्ड द प्राइस। तो इसलिए वीवर्स जो थे दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। अब सिलेशिया में जो रिवोल्ट हुआ दैट वाज इन 1845। यहाँ पे आपको टाइम एंड डेट दोनों दी हुई है, 4 जून 2 PM। 4 जून 2 PM इसे एक जर्नलिस्ट ने देखा था, विलियम वुल्फ ने देखा था इसको एंड ही गेव इज आइडिया। तब उसने अपना आइडिया दिया था कि कैसे जो ये कॉन्ट्रैक्ट भी, एक उसने क्राउड देखा था, क्राउड जो था दैट वाज मूविंग टूवर्ड्स द गोडाउन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड टूवर्ड्स द हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर जो था विद हिज फैमिली मेंबर्स रैन टू नेबरिंग विलेज बट ही हैड टू कम बैक टू हिज विलेज विद इन 24 आवर्स। ही केम विद द हेल्प ऑफ आर्मी। अब आर्मी ने क्या किया, जैसे ही आर्मी आई तो आर्मी ने अभी भी वीवर्स देवर ऑन प्रोटेस्ट, तो आर्मी फायर्ड ऑन प्रोटेस्टिंग वीवर्स एंड इन दिस 11 वीवर्स लॉस्ट देअर, हाउ मेनी वीवर्स, 11 वीवर्स लॉस्ट देअर लाइफ। एंड तो इसीलिए इसको कहा गया हंगर हार्डशिप रिवोल्ट बिकॉज वो प्राइजेस को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। जोलब्रन में आपको याद रखना है कस्टम यूनियन किसने किसके इनिशिएटिव से पास हुआ, प्रशिया। इन विच ईयर जोलब्रन वाज इंट्रोड्यूस, तो आपने कहना है 1834 विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। जोलब्रन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1834। अब यहाँ पे आपको याद रखना है 1833 में ट्रेडर्स ट्रेवलिंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग दे हैड टू क्लियर हाउ मेनी कस्टम बैरियर्स, 11।
एंड एट ईच बैरियर दे हैड टू पे 5% कस्टम ड्यूटी. तो इस वे से उनको हर जगह, बिकॉज एंड देयर वॉज नो आपको हो गया यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी इन द सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. सो सारा टाइम जो होता था ना ट्रेडर्स का, दैट वॉज वेस्टेड इन कैलकुलेशन, बिकॉज हर जगह अलग अलग मेजरमेंट थी. तो यहाँ पे आपको ईले के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट डू नो अबाउट ईले. ईले था क्या? ईले वो द मेजरमेंट ऑफ क्लोथ लिया जाता था. तो नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन ईले वर नॉट सेम. आपकी बुक में नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं, जैसे मेंस, मिलान, ये इन फ्रैंकफर्ट, ये प्लीज टेक रीडिंग फॉर देम. एक बार इनकी रीडिंग ले लेना कि कितने कितने सेंटीमीटर. जैसे फ्रैंकफर्ट का पूछा जाए तो यू शुड नो. तो नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन ईले वर नॉट सेम. तो ट्रेडर्स, क्लोथियर मर्चेंट, दे हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. देयर होल टाइम वाज वेस्टेड इन कैलकुलेशंस. तो इस वे से उनको प्रॉब्लम्स आती थी, सारा टाइम कैलकुलेशंस में वेस्ट होता था. टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम सॉल्वेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड. उनकी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, तो किसके इनिशिएटिव से हुआ? प्रशिया. तो नेक्स्ट आपको जर्मनी की यूनिफिकेशन में आपको क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना चाहिए फर्स्ट फेज किसके अंडर हुआ था? विलहेलम फोर. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के दौरान हुआ द रूलर ऑफ प्रशिया विलहेलम फोर. विलहेलम फोर रिफ्यूज टू बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्को. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, दैट्स वाई. तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हुई थी. कौन कब हुई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? 18 मई 1848. फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, वहाँ पे पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी एंड अटेंडेड बाय 831 डेलीगेट्स. और फिर आप बता सकते हो सेंट पॉल चर्च में हुई. ये सारे वन मार्क क्वेश्चन है. सेंट पॉल चर्च में ये मीटिंग हुई. अब ये की किसने? लिबरल्स ने. एंड विलहेलम फोर जो था, ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आप कह सकते हो एरिस्टोक्रेट्स. तो ही रिफ्यूज एंड विद दिस फ्रैंकफर्ट उसकी रिफ्यूजल से ये पार्लियामेंट्री मीटिंग फेल हुई थी एंड फर्स्ट फेज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी केम टू एन एंड. अब जर्मनी की यूनिफिकेशन का आपको ईयर बताना चाहिए 1871. इटली का बताना चाहिए 1861. जर्मनी की यूनिफिकेशन किसके अंडर हुई? प्रशिया. प्रशिया का उन दिनों रूलर कौन था? विलियम वन. एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया? बिस्मार्क. बिस्मार्क ने कितनी लड़ाइयां लड़ी? 3. विद इन हाउ मेनी इयर्स? 7 years. ही फोर्ट 3 वाज विद इन 7 years. तो पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि 3 वाज 7 years में जो हुई तो किसकी विक्ट्री हुई थी? प्रशिया. प्रशिया की विक्ट्री हुई. प्रशिया जीता तो जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई. जर्मनी की यूनिफिकेशन किसके अंडर हुई? विलियम वन. कहाँ पे उसकी ओथ सेरेमनी हुई विलियम वन की? हॉल ऑफ मिरर्स. हॉल ऑफ मिरर्स में ओथ सेरेमनी ऑफ विलियम वन वाज हेल्ड. तो जर्मन की जो आर्मी थी उसका कमांडर कौन था उन दिनों? वॉन रून. वॉन रून वाज द कमांडर ऑफ जर्मन आर्मी. तो ये आपको सब. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन? तो आपने बताना है मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप इन जर्मनी आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन. नेक्स्ट केम इटली. इटली की यूनिफिकेशन हुई 1861. तो किसने की? काउंट कैवूर. और हु वाज द रूलर? विक्टर मैनुअल टू. विक्टर मैनुअल टू वाज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट. जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स वेयर एज इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. 7 में से 6 पे फॉरनर्स रूल कर रहे थे. ओनली वन स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट वाज अंडर द इटालियन बॉर्न प्रिंस विक्टर इमैनुअल टू. तो जो 6 स्टेट्स के लोग थे ना वो विक्टर इमैनुअल टू के अंडर आना चाहते थे बिकॉज ही वाज इटालियन बॉर्न. लोग अपने रूलर के अंडर आना चाहते थे फ्रॉम फॉरेन रूल. दे वांटेड टू कम अंडर द कंट्रोल ऑफ विक्टर इमैनुअल टू. तो यहाँ पे सारा यूनिफिकेशन का वर्क किया काउंट कैवूर ने. काउंट कैवूर को नॉर्थ इटली में हेल्प मिली फ्रांस की. काउंट कैवूर ने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की एंड गॉट हेल्प फ्रॉम फ्रांस. और इधर काउंट कैवूर को साउथ में हेल्प मिली. गैरिबाल्डी वाज गैरिबाल्डी पेट्रियोटिक सोल्जर ऑफ साउथ इटली नोन फॉर रेड शर्ट सोल्जर्स. तो इस वजह से आपको ये सारा इटली का भी पता होना चाहिए. एंड हु वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी जिसने के लोगों को इनकरेज किया था टू बिकम नेशन स्टेट? दैट वाज मेजनी. तो जर्मनी 39 स्टेट्स में बड़ा हुआ था. यू शुड नो इटली 7 स्टेट्स में. अब जर्मनी का यूनिफिकेशन का वर्क सारा प्रशिया ने किया. इटली का सार्डिनिया पीडमोंट. जर्मनी में आप कह सकते हो रूलर जो था दैट वाज विलियम वन. इधर आप कह सकते हो
विक्टर मैनुअल टू, उधर आप कहोगे कि सारा वर्क बिस्मार्क ने किया, इधर आप कहोगे काउंट कैवूर ने किया। जर्मनी ने फर्स्ट वॉर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट डिक्लेयर की थी, एंड जर्मनी ने फ्रांस के साथ भी उसका झगड़ा हुआ जिसे कहा जाता है फ्रेंको क्रिश्चियन वॉर, और इधर फ्रांस ने इटली की हेल्प की है, एंड काउंट कैवूर को और हेल्प मिली गैरी वाल्डी से, बिकॉज गैरी वाल्डी जो था ही वॉज पेट्रियोटिक सोल्जर, फेमस फॉर रेड शर्ट सोल्जर्स के लिए वो फेमस था, एंड ही हेल्प काउंट कैवूर इन द यूनिफिकेशन ऑफ साउथ इटली। जो इटली जो था ना सेवन स्टेट्स में बटा हुआ था, नॉर्थ इटली जो था दैट वाज अंडर ऑस्ट्रिया, सेंट्रल इटली जो था दैट वाज अंडर आप कहोगे पोप, एंड साउथ इटली जो था दैट वाज अंडर बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। साउथ इटली वाज अंडर बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, सेंट्रल इटली अंडर पोप। तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज